ये देखो, लोग किश्तों में मर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में मर रहे हैं। अभी तो सबका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होगा, लाल बत्ती टिमटिमाएगी और फिर सबकी लाशें उठाकर उस कचरे के ढेर पर फेंक दी जाएगी। पॉलीथीन से लोगों की लाशों को जलाया जाएगा, क्योंकि ना होगी लकड़ी ना होंगे पेड़, और जब ना पेड़ ना लकड़ी तो कैसा अंतिम संस्कार। मैं पूछता हूं आप लोगों से, हर पेड़ लगा ले रे बेटा, रे पेड़ लगा ले रे, पेड़ लगा ले रे बेटा तू पेड़ लगा ले रे, ये बात बिठा ले रे मन में तू बात बिठा ले रे, ये बात बिठा ले मन में तू ये बात बिठा ले रे, पेड़ लगा ले रे बेटा तू पेड़ लगा ले रे, पेड़ लगा ले रे बेटा तू पेड़ लगा ले रे, पेड़ों को ना तुम काटो वरना पछताओगे, पेड़ों को ना काटो वरना पछताओगे, अरे पेड़ों को तुम ना काटो वरना पछताओगे, पेड़ों को तुम ना काटो वरना पछताओगे।
जाओगे तो पेड़ लगा ले रे बेटा तू पेड़ लगा ले रे पेड़ लगा ले रे बेटा तू पेड़ लगा ले रे रे बात बिठा ले रे मन में तू बात बिठा ले रे बात बिठा ले मन में रे बात बिठा ले रे पेड़ लगा ले रे बेटा तू पेड़ लगा ले रे पेड़ लगा ले रे बेटा तू पेड़ लगा ले रे मत मारो मुझे छोड़ दो मत मारो मुझे छोड़ दो बचाओ मत मारो मत मारो हमें मत काटो हमें मत मारो हमें मत काटो हमें मैं हूँ जान इंसान की मत मारो हमें मैं हूँ जान इंसान की दोष कुछ भी नहीं दोष कुछ भी नहीं सारी फितरत है ये इंसान की मत मारो हमें मत काटो हमें फल भी देता हूँ मैं छाया देता हूँ मैं फल भी देता हूँ मैं छाया देता हूँ मैं जान हूँ इस ब्रह्मांड की मत मारो हमें मत काटो हमें मत मारो हमें मत काटो हमें मैं हूँ जान इंसान की पेड़ लगाना सिर्फ किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी और इस जिम्मेदारी को समझते हुए हरियाणा सरकार ने भी अपने प्रयास किए हैं उन्होंने स्कूली विद्यार्थियों को इसके लिए बढ़ावा देने के लिए प्रति विद्या एक पेड़ लगाने पर 50 रुपये की इनाम की घोषणा की और खुद अपने आप पिछले 4 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए साथियों आइए हम सब मिलकर पेड़ लगाएं देश को बचाएं हरियाणा को बचाएं और एक नए हरियाणा का निर्माण करें प्रदूषण रहित हरियाणा का निर्माण करें।